मध्य प्रदेश के खरगोन की धार्मिक और पर्यटन नगरी कहलाती है महेश्वर मंडलेश्वर, और ये क्षेत्र अपने गौरवशाली इतिहास के लिए विश्व पटल पर एक अलग पहचान रखते हैं। महेश्वर जो कि पर्यटन नगरी है, देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, घूमते हैं, महेश्वर के किले की नक्काशी को निहारते हैं, माँ नर्मदा के दर्शन करते हैं और अहिल्याबाई होलकर के गौरवशाली इतिहास को जानते हैं। इस विषय पर हम इस क्षेत्र के बारे में इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि महेश्वर को कई वर्षों से 30 से 35 से ज़्यादा साल हो चुके हैं, लोग लगातार इस क्षेत्र को जिला बनाने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान अभी फिर एक बार महेश्वर को जिला बनाने की मांग तेज़ हो चुकी है क्योंकि हाल ही में दशहरे के दिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव महेश्वर में शस्त्र पूजन के लिए आए थे और तभी क्षेत्र के विधायक राजकुमार मेव ने उनसे महेश्वर को जिला घोषित करने की मांग की थी, लेकिन उन्होंने इसकी घोषणा नहीं की और एक ये भी कह सकते हैं कि फिलहाल उन्होंने चुप्पी साध रखी है, महेश्वर को जिला बनाना है या नहीं बनाना है बात पर छोड़ दिया है। उपलक्ष्य में भाई साहब से निवेदन करता हूँ कि महेश्वर काफी समय से, काफी वर्षों से जिला बनाने के लिए अपेक्षित रहा है, एक बार समय कि महेश्वर को जिला बना रहे। पहले भी मातुश्री अहिल्या देवी के समय निमाड़ और मालवा दोनों राज्य माँ अहिल्या देवी के रहे हैं और उन्होंने महेश्वर में देख के राज्य किया है, इसीलिए भाई साहब से सर्वोच्च निवेदन करता हूँ कि इसे जिला बनाने की कार्रवाई में जोड़ा जाए और इसे अतिशीघ्र जिला बनाया जाए। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि महेश्वर को जो जिला बनाने की मांग की जा रही है वो कितने हद तक सही है, जिला बनता है तो क्या फ़ायदा इन लोगों को मिलेगा और फिलहाल में क्या दिक्कतें हो रही है जिला नहीं होने से। भैया क्या नाम लिखते हैं? अशोक वर्मा। अशोक भैया क्या दुकान, फल की दुकान चलाते हैं? फल की दुकान। देख रहे हैं अभी जिले की मांग फिर से जोर पकड़ चुकी है, महेश्वर को जिला बनाने की मांग विधायक भी कर चुके हैं यहाँ के, क्या लगता है आपको? बनना चाहिए, महेश्वर जिला बनना चाहिए क्योंकि जिला कोड यहीं पे है, इसलिए बिल्कुल कोड के हिसाब से जिला बनना चाहिए महेश्वर को। महेश्वर जिला बनना चाहिए और उसके लिए हमारे क्षेत्रीय विधायक राजकुमार जी ने जो लोकप्रिय नेता है उन्होंने जो बात रखी है वो बहुत सही है और वो जनता की एक मांग है, महेश्वर तहसील की मांग है। अगर महेश्वर तहसील जिला बनता है तो यहाँ के जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा क्योंकि कहीं ना कहीं खरगोन जिला, खरगोन हमारे क्षेत्र से 60-70 किलोमीटर की दूरी पर है और गरीब लोगों को वहाँ पर जाने में बहुत तकलीफ होती है, बहुत परेशानी होती है और स्वास्थ्य में भी देखें तो जिला हॉस्पिटल बहुत दूर पड़ता है, जहाँ पर कहीं समस्या ऐसी आती है ऑपरेशन की डिलीवरी प्लेट में महिलाओं को आती है तो बहुत तकलीफ बहुत दूर पड़ता है, इसलिए महेश्वर को जिला बनाने की मांग जो मेयर साहब ने की है बहुत सही मांग है और जिला बनना चाहिए महेश्वर को, इससे बहुत फायदा होगा मंडलेश्वर की जनता को, महेश्वर की जनता को, आसपास के क्षेत्र की जनता को बहुत फायदा होगा। छोटा सा भी काम हो तो खरगोन जाना पड़ता है जिला लेवल पे और यहाँ महेश्वर बन जाएगा तो अपन को पास में ही पड़ेगा ना भैया, इसलिए जिला बनना चाहिए। मतलब अगर खरगोन जाते हैं तो पैसा भी लगता, समय भी लगता है। हाँ, समय की बर्बादी होती है और पैसे की बर्बादी होती है और पूरा दिन भी टूटता है अपना, सुबह से शाम हो जाती है यदि खरगोन जाते हैं तो, अपन कुछ भी काम हो तो महेश्वर बनना चाहिए जिला भैया। देख रहे हैं इस समय फिर एक बार जो है महेश्वर को जिला बनाने की मांग जोर पकड़ चुकी है, क्षेत्र के विधायक ने भी सीएम से मांग कर दी है, हालांकि उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया है इस पर कि बनेगा नहीं बनेगा। महेश्वर मंडलेश्वर की जनता इसको कैसे देखती है, क्या समझती है? महेश्वर को जिला बनाना अति आवश्यक है क्योंकि सीमा के हिसाब से देखा जाए तो बहुत बड़ा एरिया खरगोन जिले को लगता है, तो उसके हिसाब से दो जिले होना आवश्यक है और पहले जबकि होलकर स्टेट के समय पे मंडलेश्वर जिला रह चुका है और यहाँ पर सारी जिले की सुविधाएं थी, आज भी मंडलेश्वर में जिला न्यायालय उसी कारण से हैगी, पहले जिला जेल भी यहीं थी और जिले के सारे बड़े विभाग भी यहीं थे और जिस हिसाब से क्षेत्रफल है तो उस हिसाब से महेश्वर को जिला अतिशीघ्र बनाया जाना चाहिए ताकि इधर के क्षेत्र का विकास हो सके। बिल्कुल निश्चित ही माँ नर्मदा का तट है, माँ अहिल्या की नगरी है, मंडन मिश्र की नगरी है, महेश्वर को निश्चित ही जिले का दर्जा मिलना चाहिए। जिले की मांग पूर्व में भी तत्कालीन मंत्री डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधो जी ने कमलनाथ जी से की थी, उस संबंध में उन्होंने नोटशीट भी लिखी थी, कमलनाथ जी से मांग भी की थी, उस समय चूंकि सरकार गिर गई थी इसके कारण वह जिला आधार में लटक गया था,
यदि जिला बनता है तो माहिल्या की नगरी है, पर्यटन की अपार संभावना है, तो महेश्वर को जिला बनाया जाना चाहिए। क्षेत्र की जनता कई बार मांग कर चुकी है। चुनावी घोषणा पत्रों में राजनीतिक पार्टियों ने अपने जो चुनावी घोषणा पत्र है उनमें भी महेश्वर को जिला बनाने की मांग को घोषणा के रूप में रखा है, लेकिन घोषणा आज तक नहीं हो पाई। चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, दोनों ही महेश्वर को जिला बनाने में असफल रही है। लेकिन इस बार फिर से एक बाघ उठी है, लोगों में चर्चा का विषय है कि क्या महेश्वर जिला बनेगा या नहीं बनेगा, ये तो समय की बात है, लेकिन मांग जारी रही है। दीपक पांडे, लोकल 18, खरगोन।